आज डिस्कस कर लेते हैं रेलवे स्टॉक्स, जिसके अंदर बहुत अच्छी करेक्शन आ चुकी है। जैसे ले लीजिए आप इरकॉन, आरवीएनएल, सब में अच्छी करेक्शन आ चुकी है। अब ये नेक्स्ट लेग के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। तो लेट्स कम टू द चार्ट्स एंड डिस्कस ऑल दिस, राइट। सी, फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं अपना IRFC। IRFC को आप देखेंगे मंथली चार्ट पर अच्छी मूवमेंट दी एंड देन अच्छे अपने लेवल्स पे, फिबोनाची के लेवल्स से ही इसने एक हैमर पैटर्न बना दिया है। आप देख सकते हैं इट्स अ हैमर पैटर्न एंड देन यहाँ से ऊपर चलने के लिए तैयार हो रहा है 185 के लेवल्स। पहले 185 देन उसके बाद नेक्स्ट लेग के लिए रेडी, राइट। अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखोगे एक बेस बना लिया है, आपको एनालिसिस से पता चल जाएगा। देखिए राइट, ये एक बेस बन चुका है, हैमर पैटर्न बनता जा रहा है यहाँ पर एंड देन यहीं से ऊपर 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 जाता हुआ फर्स्ट 185 एंड देन फॉर द नेक्स्ट लेग रेडी, राइट। एज यू ऑल नो मार्केट स्ट्रक्चर अपना क्या कहता है, कभी भी कोई स्टॉक यूं सीधा सीधा नहीं जाता, पहले ऊपर जाता है फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसे ऐसे करके मूवमेंट्स आती हैं हमारे किसी भी स्टॉक में। सेम टेक इसने एक करेक्शन दिखाई एंड वहाँ से ऊपर चलने के लिए रेडी हो रहा है, राइट। ये हो गया हमारा IRFC, देन इज IRCTC। IRCTC को देखोगे आप मंथली चार्ट पर, तो इसने क्या करा है अपना मंथली चार्ट का ब्रेकआउट दिया है एंड देन उससे रीटेस्ट देन अपसाइड। रीटेस्ट भी आप देखिए, रीटेस्ट पे प्रॉपर इवनिंग स्टार, प्रॉपर हैमर बनाता हुआ ऊपर चलने के लिए तैयार हो चुका है। फर्स्ट इसने डोजी बनाई एंड देन फिर उसको ऊपर की तरफ इसने मूवमेंट दे दी है, वो भी मंथली चार्ट पे। दिस वी आर वर्किंग ऑन द मंथली चार्ट। मंथली चार्ट जितनी ज़्यादा टाइम फ्रेम बढ़ता जाता है उतनी उसकी वैलिडिटी बढ़ जाती है, राइट। सो ये मंथली चार्ट का ब्रेकआउट विद रीटेस्ट, इट कुड गो अपसाइड ह्यूज, राइट। With proper stop loss on the systems, you could plan the trade, right? No recommendations, only for education purpose. Next one is RVNL. RVNL को देख लेते हैं। See, जैसा कि pattern बन रहा था हमारा IRFC पे, same pattern बन रहा है अपना RVNL में। एक बार reset कर देते हैं हम इसको chart को, right? Now, yes, इसने भी हाई लगाया अपना 345 का, बेस बनाया यहाँ पे, बड़ी बड़ी विक्स बना रहा है, हैमर पैटर्न बना चुका है यहाँ पे हैमर पैटर्न बना चुका है। यहीं से ट्राई कर रहा है जिग जिग करते हुए ऊपर जाने की। फर्स्ट 345 क्रॉस करते ही फिर बूम, राइट। RVNL क्योंकि इसने यहाँ पर एक बेस बना लिया है। नो रिकमेंडेशंस, जस्ट पुट द स्टॉप लॉस ऑन द सिस्टम्स, राइट, इफ यू प्लान द ट्रेड। नेक्स्ट इज इरकॉन। इरकॉन को भी देखेंगे, इसको करना बड़ा आसान है एनालिसिस। सी, इसने भी बूम करा, अब यहाँ पर इसने करेक्शन दिखाकर इतनी बड़ी विक, आप समझ रहे हैं विक का मतलब, मैंने विक का मतलब समझाया था अपनी लास्ट शॉर्ट्स में भी समझाने की कोशिश करी है। मार्केट नीचे आई, उधर प्राइस पे उधर बायर्स एक्टिवेटेड, उधर प्राइस को ऊपर की तरफ ढकेला, दैट मीन्स वहाँ पर बायर्स एक्टिवेटेड है। उन्होंने कहा भाई ऊपर जाए, यहाँ पर नहीं रुकेगा, तो यहाँ पर डिमांड जोन है यहाँ से ऊपर, तो यहाँ पर करेक्शन हुई, यहाँ पर लोगों ने परचेज करा एंड ये नाउ इट इज़ ट्राइंग टू गो अप अप एंड अप। फर्स्ट टारगेट इज दिस, हाई इज 280 क्रॉस करते ही बूम, नेक्स्ट लेग के लिए रेडी। सो हमारे सारे रेलवे स्टॉक्स नेक्स्ट लेग के लिए रेडी होते जा रहे हैं। पहले बहुत अच्छी मूवमेंट दी, देन करेक्शन एंड देन अलग लेग के लिए रेडी। दिस इज ऑल अबाउट द फोर स्टॉक्स ऑफ द रेलवे, इरकॉन, RVNL, IRCTC एंड IRFC। सो कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड स्टे ट्यून्ड।